नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। भगवंत मान ने सीएम सुक्खू के साथ की बैठक, वाटर सेस को लेकर स्पष्ट की स्थिति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के मध्य सदैव मधुर संबंध रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की साझा सांस्कृतिक विरासत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जल विद्युत परियोजना पर वाटर सेस सहित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और शानन जल विद्युत परियोजनाओं तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि जल उपकर के विषय में बैठक में पुनः कुछ भ्रांतियों का निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाए जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत जल विद्युत परियोजना पर लगाया जाएगा। कांगड़ा में फर्जी निकले 14,117 राशन कार्ड, खाद्य आपूर्ति विभाग किया ब्लॉक। जिला कांगड़ा में 14,117 राशन कार्ड फर्जी निकले हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन कार्डों को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे लोग दो स्थानों पर कार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से डिपो का राशन ले रहे थे। वहीं जब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आदेश जारी किए गए तो सर्वे के दौरान जिले में इन फर्जी कार्ड धारकों की संख्या का खुलासा हुआ। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के दौरान फर्जी राशन कार्डों में सबसे अधिक मामले इंदौरा क्षेत्र से आए हैं। इंदौरा में 2120 फर्जी कार्ड धारकों की ओर से डिपो राशन की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा था। वहीं धर्मशाला में फर्जी कार्ड धारकों के सबसे कम 169 मामले सामने आए हैं। हो रही नियमों की अनदेखी, बिना प्रवेश परीक्षा पीएचडी करवा रहे हैं निजी विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में पीएचडी करवाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामले की जांच कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में चल रहे कुछ निजी विश्वविद्यालयों ने पीएचडी में प्रवेश देने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की है। बिना प्रवेश परीक्षा डिग्री करवाई जा रही है। किस विभाग में कितनी सीटें हैं इसका पहले प्रचार करना होता है, इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों ने इसे पूरी तरह से छिपाया है। यूजीसी ने पीएचडी गाइड के लिए आयु सीमा तय की है। 70 वर्ष से अधिक आयु वाला गाइड नहीं बन सकता, जबकि निजी विश्वविद्यालयों में कई शोधार्थियों के गाइड की उम्र 72 से 75 वर्ष भी है। गुंडराला सहकारी सभा में 22 लाख का गबन, सचिव की जमीन अटैच। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के एक सहकारी सभा में सहकारी सभा विभाग की ओर से करवाए गए ऑडिट में करीब 22 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। संबंधित सहकारी सभा ने ग्रामीणों की जमा पूंजी पर कुंडली मार रखी है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी लोगों की जमा पूंजी नहीं लौटाई जा रही है। अब सहकारी सभा विभाग संबंधित सभा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जा रहा है। खास बात यह है कि संबंधित सोसाइटी के इस कारनामे की शिकायत लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी की थी, मगर उसके बाद भी सभा ने लोगों की जमा पूंजी नहीं लौटाई। समाज सेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने हमीरपुर जिले में सहकारी सभाओं में बढ़ते गबन के मामलों चिंता जताई है। उन्होंने मामले में दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही करना, लोगों को पैसा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को साक्ष्यों सहित पत्र भेजा है। हर्षवर्धन चौहान, चिट्टा तस्करों को बचाने में पुलिसकर्मी शामिल पाए गए तो होगी कड़ी कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि चिट्टा तस्करों को बचाने में पुलिस कर्मचारी अगर शामिल पाए तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इंदौरा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजू ने सदन में इस संबंध में जानकारी मांगी थी। चिट्टा कहां से आ रहा है, कितने पुलिस वालों की मिलीभगत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति में हर्षवर्धन चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि आज प्रदेश का युवा वर्ग चिट्टे से जूझ रहा है, नशा चुनौती बन गया है। इंदौरा में चिट्टे तस्करों की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। बॉर्डर एरिया में तस्करी रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार की कोशिश है कि किस तरह से इसे रोका जाए। अनिरुद्ध बोले, हिमाचल के 412 नए ग्राम पंचायतों में भर्ती होंगे सचिव रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नव सृजित 412 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार ने सृजित नहीं किया है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए 3 पंचायतों पर 1 ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 24 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है।
बंदला की पहाड़ियों में फिर उड़ेंगे पैराग्लाइडर, वन विभाग ने दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बंदलाधार में फिर से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लिया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने साइटें शुरू करने के लिए वन विभाग की मंजूरी ले ली है। वहीं यहां से उड़ान शुरू करने के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। प्रशासन की माने तो 10 दिन के भीतर साइट को शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी हो जाएंगी। बताते चले कि विश्व में तुर्की और नेपाल के पोखरा में एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट है। पोखरा साइट की ऊंचाई बंदला साइट से कम है, जबकि बंदला एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट तुर्की साइट के बराबर है। पंजीकरण होने के बाद बंदला पैराग्लाइडिंग साइट दुनिया की 3 सबसे खूबसूरत साइट्स में शुमार हो चुकी है। एक्रो पैराग्लाइडिंग में पैराग्लाइडर आसमान में पैराग्लाइडर के साथ कई तरह के करतब करते हैं। कला अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामलों में अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। सोमवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक के पेपर लीक मामले में नामजद महिला अभ्यर्थी सुनीता देवी को भी SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हमीरपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को आरोपी महिला को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। SIT के हाथ अभी तक जो भी सबूत लगे हैं उनके आधार पर अभ्यर्थी को पुलिस रिमांड पर लेने की पैरवी SIT की ओर से न्यायालय में की जाएगी। कला अध्यापक पेपर लीक मामले में SIT ने 3 मार्च को विजिलेंस थाना हमीरपुर में निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद और महिला अभ्यर्थी सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद मुख्यालय में इस मामले की जांच चंबा में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजिलेंस अभिमन्यु वर्मा को सौंपी। NH 154 पर हादसा, ठारू में कार बाइक की टक्कर में एक की मौत। नगरोटा बंगवा थाना के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पठानकोट मंडी ठारू में देर रात हुए एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई है। थाना प्रभारी रमेश ठाकुर के अनुसार अमित सरोत्री निवासी गड़लादेई तहसील पालमपुर, जो देर रात कांगड़ा से किसी निजी संस्थान में ड्यूटी को समाप्त कर अपने घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान विपरीत दिशा से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर ठारू के समीप एक कार आ रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। आमने सामने हुई टक्कर में कार व मोटरसाइकिल दोनों सड़क से नीचे नाली में जा गिरे। हादसे के बाद कार सवार रात को ही मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मोटरसाइकिल सवार घायल युवक को टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान अमित सरोत्री की मृत्यु हो गई। नगरोटा बंगवा थाना के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं सुभाकर कार सवारों ने अपना आत्मसमर्पण थाने में किया। पुलिस ने उनका मेडिकल करवाकर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की पुष्टि SDM मदन धीमान ने की है। धारा 118 के तहत लीज जमीन पर मकान या उद्योग लगाने के लिए 3 के बजाय अब मिलेंगे 5 साल। हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भूमि सुधार विधेयक 2022 के तहत धारा 118 में संशोधन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिसमें इस धारा के तहत ली गई जमीन पर मकान बनाने या उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल के बजाय बल्कि 5 साल मिलेंगे। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद इस विधेयक को मंगलवार को राज्य विधानसभा के सचिव ने सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक को वर्ष 2022 में जयराम सरकार के कार्यकाल में किया गया था।